दोस्तों, स्वागत है आपका सनसनी ऑफ इंडिया के नए एपिसोड में। अंधविश्वास उस दलदल की तरह होता है, जिसमें से जितना निकलने की कोशिश करते हैं उतना ही दस्ते चले जाते हैं। मैं विजय कुमार दिवाकर आज आपको दिखाने जा रहा हूँ अंधविश्वास की एक ऐसी घटना, जिसे देखकर शायद आप अंधविश्वास करना छोड़ देंगे। आज का मनुष्य लालच और स्वार्थ में इतना अंधा हो गया है कि उसके सोचने समझने की शक्ति ही खत्म हो गई है। यही कारण है कि ऐसी हालातों का फायदा उठाते हैं कई ढोंगी तांत्रिक बाबा। तांत्रिक लोगों का आर्थिक और मानसिक शोषण ही नहीं कर रहे, बल्कि बेखौफ होकर रिश्तों को शर्मसार करने वाली हरकतों को भी अंजाम देने के लिए षड्यंत्र रचते हैं। हमारे देश में लोग तंत्र मंत्र के जाल में इस कदर उलझे हुए हैं कि जब भी किसी को गंभीर बीमारी, घर में पैसों की कमी, तरक्की के लिए कोई रास्ता नजर नहीं आता तो लोग बाबा, मुल्ला, मौलवी, तांत्रिक की शरण में चले जाते हैं। वो तरह तरह के तमाम टोने टोटके करने की सलाह देते हैं। इत्तेफाक से जब वो कामयाब हो जाते हैं तो टोना करने वाला इंसान पीड़ित के लिए भगवान से कम नहीं होता। आज हर देश के कोने कोने में अंधविश्वास का जाल पेड़ की टहनी की तरह बढ़ता ही जा रहा है। अक्सर ढोंगी तांत्रिक अपने माया जाल को फैलाने के लिए प्रचार का रास्ता अपनाते हैं और एक बार फिर तांत्रिकों के ठग का मामला सामने आया है। जी हाँ, राजेंद्र नगर के पौश इलाके में तंत्र मंत्र का जाल फैलाकर ठगी करने वाले ऐसे तीन युवक सुरेश, रोहित और करण तीनों तांत्रिक के भेष में रहते थे। दरअसल तीनों ढोंगी विज्ञापन के जरिए अपना तंत्र मंत्र और टोने टोटके का धंधा चलाते थे और फिर विज्ञापन देखकर जैसे ही कोई उन्हें फोन करता है तो वो उसके घर जाते और उसे इस कदर डराते हैं कि बाद में वो जैसा भी कहते हैं वो परिवार वैसा ही करने को राजी हो जाता है। डर को बरकरार रखने के लिए तांत्रिक दिखावे के लिए पूजा और हवन करने का ढोंगी रचते और पूजा और हवन के नाम पर लाखों रुपए की मांग करते और देने के लिए लोगों के पास नकदी ना होने पर खेत और मकान तक बिकवा देते। इतना ही नहीं, पूजा के लिए जेवर जरूरी बताकर 30-35 तोले जेवर मंगवाते। ये तीनों लोगों के अंदर इस कदर डर पैदा कर देते कि लोग अपने रिश्तेदारों से तक पैसे या जेवर मांग कर ले आते। ठगों ने लोगों का विश्वास जीतने के लिए उन्हें घर के सारे जेवर लाने को कहकर ये लालच देते थे कि जितने भी जेवर लाओगे वो पूजा पाठ करने के दूसरे दिन डबल होकर मिलेगा, लेकिन बदले में सिर्फ पछतावे के अलावा कुछ नहीं मिलता था। आपको बता दें कि इन तीनों ने बेहद प्लानिंग के साथ लोगों को जाल में फंसाया। दरअसल रायपुर की पौश कॉलोनी में पहले तो इन्होंने मकान किराए पर लिया और इसके बाद 8 महीने तक तंत्र के नाम पर लोगों को फंसाते रहे।
ये तीनों ढोंगी किसी को एक महीने के बाद समस्या दूर होने का वादा करते तो कभी किसी का दो महीने में, और इतना ही नहीं उनकी मियाद पूरी होने के पहले ही पूरा सामान समेट कर वहां से वो फरार हो जाते। तांत्रिकों ने मकान के ऊपरी कमरे में हवन कुंड बनाया हुआ था, वहीं कमरे के अंदर जगह जगह पूजा पाठ का सामान भी फैला रखा था। हवन कुंड कमरे के बीचों बीच बना हुआ था। पूजा के दौरान भी ये मंत्रों का उच्चारण इस तरह करते थे कि लोगों की आस्था तांत्रिकों के ऊपर और बढ़ जाती और वो इन ढोंगियों पर आंख बंद कर भरोसा कर लेते और लोगों को इन पर आसानी से भरोसा हो जाता। और इसी धोखे का शिकार हुआ धमतरी का रहने वाला एक परिवार। समस्याएं सभी के जीवनों में आती हैं। कुछ लोग समस्याओं से लड़कर जीत जाते हैं और कुछ लोग लेते हैं अंधविश्वास का सहारा। कुमार ने भी अपनी समस्या से निपटने के लिए लिया था अंधविश्वास का सहारा। कुमार की अपनी समस्या तो दूर नहीं हुई, लेकिन अंधविश्वास की आड़ में कुमार के साथ हुई एक बड़ी भयानक वारदात। जी हाँ, धमतरी का कारोबारी पी कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। दरअसल कुमार की पत्नी की तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। डॉक्टरों के इलाज का कोई असर नहीं हो पा रहा था और तभी कुमार की नजर एक विज्ञापन पर पड़ी। कुमार को लगा शायद इसमें से उनकी परेशानियों का समाधान निकल जाएगा। कुमार की पत्नी की तबीयत बहुत खराब रहती थी। कुमार ने अंधविश्वास के चक्कर में पड़कर तंत्र मंत्र का सहारा लिया और कुछ तांत्रिकों को अपने घर पे बुलाया। तांत्रिकों ने उसकी पत्नी की तबीयत को ठीक करने के बहाने दिया बड़ी खौफनाक वारदात को अंजाम। विज्ञापन देखकर विज्ञापन पर दिए हुए नंबर पर कुमार ने कॉल किया। फोन उन्हीं में से एक जालसाज ने उठाया। कुमार ने फोन पर अपनी सारी परेशानियों का जिक्र किया, जिसके बाद कुमार के घर का पता पूछा गया। पता बताने पर अगले दिन ही तीनों बाबाओं की वेशभूषा में तैयार होकर कुमार के घर पहुंच गए। घर को देखते ही उन्होंने सबको डराना शुरू कर दिया। सर्वनाश का डर दिखाकर पूजा पाठ करने का सुझाव दिया और इस पूजा पाठ के लिए 30,000 रुपए तक का खर्चा बताया और अपने बताए हुए पते पर बुलाया। कारोबारी कुमार पैसे लेकर ठिकाने पर पहुंचा, जहां एक बंद कमरे पर पूजा हवन कराई गई। हवन हो जाने के बाद कुमार को घर भेज दिया। ये ठगी का काम यहीं खत्म नहीं हुआ। 3 दिन बाद फोन करके तीनों ढोंगी यानी रोहित, सुरेश और करण कुमार के घर पहुंच गए। कुमार की पत्नी की तबीयत खराब थी, इसलिए कुमार की पत्नी को ठीक करने के लिए एक बड़ी पूजा पाठ करवाने की बात कही। घर में कुलदेवी का प्रकोप है, पूजा करके उन्हें शांत कराना होगा। ये कहकर तीनों ने परिवार को पूरी तरह से डरा दिया और अपने ऊपर विश्वास करने को मजबूर कर दिया। तीनों बाबाओं ने पूजा पाठ का खर्चा 1,00,000 रुपए बताया और इतना ही नहीं पूजा में 40 तोला सोना लाने को कहा, लेकिन कुमार के पास इतनी रकम नहीं थी। उसने तांत्रिकों को इस बारे में बताया तो उन तीनों तांत्रिकों ने कारोबारी कुमार को अपने खेत बेचने तक के लिए कह दिया और तांत्रिकों के कहने पर कुमार ने खेत 3,00,000 रुपए में बेच दिया और अपने सभी रिश्तेदारों से 35 तोला सोना इकट्ठा कर लिया और तांत्रिक के घर बजाज कॉलोनी जा पहुंचा, जहां पर 5 दिनों की पूजा रखी गई थी। कुमार अपनी पत्नी की बीमारी से परेशान था, वो उसे किसी भी हालत में ठीक करना चाहता था और इन्हीं सब कारणों की वजह से कुमार अंधविश्वास के जाल में फंसता ही जा रहा था। उसे उस वक्त ना ही कुछ समझ आ रहा था और ना ही कुछ दिखाई दे रहा था। 4 से 5 दिन तक की पूजा पाठ बताकर कुमार से भारी रकम की मांग की गई। हवन भी कुमार को बिठाकर की गई, जो कि रकम और सोना
कुमार लेकर आया था वो सारा कुछ एक पेटी में डालने को कहा गया और कुमार ने वैसा ही किया। कुमार की पत्नी को ठीक करने के बहाने उन तांत्रिकों ने कुमार के घर में 4-5 दिन तक हवन किया। कुमार की पत्नी तो ठीक नहीं हुई, लेकिन उस हवन की आड़ में वो तांत्रिक कुमार के घर से ले भागे सारा कीमती सामान। पूजा पाठ खत्म होने के आखिरी दिन में तांत्रिकों को जाने से पहले चाय पीने को दी गई। और फिर उसी दौरान परिवार वालों की आंख लग गई। जाते जाते तीनों तांत्रिक कुमार को एक पेटी पकड़ा गए और उसे कहा कि इसे अगले दिन खोलकर देखें। अगले ही दिन जैसे ही पेटी खोली तो घर के हर एक सदस्य के होश उड़ गए। पेटी के अंदर कुछ नहीं, बल्कि कंकड़ और पत्थर ही थे। ये देखते ही कुमार की पत्नी बेहोश हो गई। और उनकी बहन को इतना गहरा सदमा लगा कि वो कोमा में चली गई। कुमार के लिए ये एक बड़ा झटका था। उसने तो ये कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि उसके साथ इतना बड़ा धोखा होगा। इतनी बड़ी बर्बादी से पूरा परिवार सन्न रह गया। कुमार के पास अब कुछ भी नहीं बचा था। कहां से वो उधार लिया हुआ सोना लौटा आएगा? उसने जैसे तैसे पुलिस को इस बात की सूचना दी और शिकायत दर्ज कराई। हालांकि पुलिस काफी समय से इन ढोंगियों की तलाश में थी, लेकिन इनका पकड़ा जाना आसान नहीं हो पा रहा था। जबकि इससे पहले भी कई बार इन ढोंगियों के खिलाफ कई शिकायत दर्ज की गई थी। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुलिस अफसरों का कहना है कि अभी तक केवल 3 लोग ही इसमें सामने आए हैं। आशंका जताई जा रही है कि अभी और भी लोग सामने आ सकते हैं। मकान मालिक का भी कहना है कि उन ठगों के दरबार में रोज कई लोग आते थे। खैर, इनका भांडाफोड़ होने से ये भी माना जा रहा है कि शायद और भी पीड़ित सामने आएंगे। पुलिस आसपास के शहरों में भी उनके बारे में छानबीन कर रही है। क्राइम ब्रांच को जांच के लिए मामला सौंप दिया गया है। ये वाकई एक हैरान कर देने वाली बात है कि आज भी इस मॉडर्न सोसाइटी में भी इन बातों पर ध्यान दिया जाता है। तंत्र मंत्र में लोगों का विश्वास इतना गहरा हो चुका है कि वो अपने दम पर नहीं बल्कि तंत्र मंत्र और ढोंगियों के ढकोसलों के भरोसे ही आगे बढ़ना चाहते हैं। जरूरत है कि आप अपने दम पर कामयाबी या समस्या का समाधान ढूंढ निकालें, ना कि किसी फरेब का शिकार हों। दोस्तों, तंत्र मंत्र, जादू टोना, साधु बाबा, इन सभी पर कभी भी आंख मूंद कर भरोसा ना करें। अपनी समझ से काम लें, अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ें। कुमार अगर अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़ता और अपनी पत्नी का इलाज किसी अच्छे अस्पताल में कराता तो उसके साथ आज ये वारदात नहीं होती। कड़ी नजर, खरी खबर और सच दिखाने की हिम्मत, सच दिखाते हैं हम।
सनसनी ऑफ इंडिया, हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर, हर रविवार आपके द्वार, जो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। उत्तराखंड की पुलिस को भले ही मित्र पुलिस का दर्जा दिया जाता हो, लेकिन जब यही मित्र पुलिस हैवानियत पर उतर जाए तो आप उसे क्या कहेंगे? मित्र पुलिस का एक और कारनामा सामने आने से पुलिस अधिकारियों में भी हड़कंप मचा हुआ है। ताजा मामला रुड़की के गुम्मा वाला माजरा गांव का है, जहां पर कलियार थाने के एक दरोगा जी ने 2 मकानों में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की और गाली गलौज करते हुए निर्दोष लोगों को मारने पीटने पर उतारू हो गए। इतना ही नहीं, दरोगा का गुस्सा इतना बड़ा कि उन्होंने दोनों मकानों में रखी कुर्सियां तक तोड़ डाली, जिसमें एक युवती भी घायल हो गई। हंगामा बढ़ा तो गांव में अफरा तफरी का माहौल बन गया, जिसे देखते ही दरोगा ने वहां से भागना ही मुनासिब समझा। इस घटना के बाद दोनों पीड़ित परिवार बेहद सहमे हुए हैं। प्रधान राजबाला के घर में तोड़फोड़ की है, मैं भी देखा, आप भी देखा है, और जो बुजुर्ग लोग थे उनके साथ भी गाली गलौज और मारपीट भी की गई है। उनकी कुर्सी तोड़ी गई, जलाई गई, और एक जवान बच्ची का पैर भी जला है। जो बच्ची की माँ है उसके साथ भी गाली गलौज की गई है। रात को 12 बजे करीब बैठे हुए चुनाव की तैयारियाँ कर रहे थे अपने, और एक धुई जली हुई थी उसके पास, तो अचानक एक पुलिस की गाड़ी आई और उसमें 10-12 लोग थे, तो एक दरोगा थे उसमें पंकज देव, यानी उन्होंने जो है हमारे साथ गाली गलौज की, बुरी तरह बदतमीजी की, धक्का मुक्की की, कुर्सियाँ तोड़ दी और बहुत बुरी तरह आतंकित किया। बच्चे भयभीत हो गए, महिलाएं उठकर बाहर आएगी। हालांकि दोनों ही परिवारों ने पुलिस के अधिकारियों से दरोगा की शिकायत की है। मामला जिले के पुलिस अधिकारियों तक जा पहुंचा है। अब देखना ये है कि इस दरोगा के खिलाफ कब तक कार्रवाई हो पाती है। कुछ नेताओं ने इस मामले को चुनावी रंग देने की भी कोशिश की, लेकिन वो इसमें कामयाब नहीं हो पाए। बसपा भी इसे मुद्दा बनाने में जुट गई है। बसपा के पूर्व विधायक मोहम्मद शहजाद ने कहा कि उनकी पार्टी के लोग जल्द ही प्रदेश के DGP से मिलकर दरोगा की शिकायत करेंगे। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि पुलिस अधिकारियों ने आरोपी दरोगा के खिलाफ कोई कार्रवाई ना की तो पार्टी बड़े पैमाने पर आंदोलन करने को मजबूर होगी। फिलहाल पूरे मामले पर हरिद्वार SSP सेंथिल अबुदाई कृष्ण राज का कहना है कि पूरे मामले की जांच की जाएगी। क्या हुआ था जी? यहाँ से आग से जला रखे थे बच्चे बैठे थे यहाँ से, कुर्सी कार से सब चूल्हे में उसमें आग में जला दी। जी हम बाहर निकल के आए, कहने लगे सब बच्चों को लाओ, सबको अंदर करेंगे, ऐसे बोले हमारे साथ में। बदतमीजी से हमारी लड़की के पैर पर वुल्फ मारी गई। यहाँ 12 कुर्सी आती, कुछ उन्होंने जलाई, कुछ ले गए उठा, गाली दे रहे थे, बहुत बदतमीजी से बोल रहे थे। 6-7 जने आए थे पुलिस वाले, वो ना मैं बाहर अंदर से आई ना, जब बाहर तो देखा यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी, इन्होंने तोड़फोड़ शुरू कर दी थी। मैंने रोकना चाहा लेकिन उन्होंने मेरे पैर पर वो मार दी थी। रुड़की से सनसनी ऑफ इंडिया के लिए राव सर्वर सावरी की रिपोर्ट। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें www.vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
बाहरी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाना इलाके में 29 साल के नरेंद्र नाम के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई। नरेंद्र मान अपने दो साथियों के साथ उनके ऑफिस में होलम्बी कला अपने घर के पास ही बैठा था। तभी एक सफेद रंग की सेंट्रो कार आई। कार में चार लड़के सवार थे और नरेंद्र मान पर गोलियां चला दी। नरेंद्र को कई गोलियां लगी, जिसे तुरंत पुलिस पीसीआर अस्पताल लेकर गई, पर बीच रास्ते में ही नरेंद्र मान की मौत हो गई। ये मेरा भतीजा था जी नरेंद्र, सतबीर का लड़का। मैं आए जब तक पता लगा कि तीन लड़के इसके साथ बैठे थे ऑफिस में। उसके बाद एक लड़का बाहर फोन सुनने आ गया, उसके बाद एक लड़का इनको देखने आया तो तीन आदमी और आए, उन्होंने फटाफट गोली चला के भाग गए। उन्होंने अपने बयान दे दिए, पुलिस उनको साथ ले गई। मामले में कोई लूटपाट नहीं हुई, मामला आपसी रंजिश का नजर आ रहा है। उस वक्त नरेंद्र के साथ जो युवक बैठे थे उन्होंने भी हमलावरों को देखा था। पुलिस अब इन साथियों द्वारा बताए हुरिये के हिसाब से जांच में जुटी है और नरेंद्र मान के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। सनसनी ऑफ इंडिया के लिए अनिल अत्री की रिपोर्ट। ऑड इवन को लेकर सख्त दिखी पुलिस। उत्तर पूर्वी दिल्ली के यमुना विहार इलाके में एक परिवार अपने डॉगी को ऑड नंबर की गाड़ी से लेकर अस्पताल से आ रहा था। तभी ट्रैफिक पुलिस ने रोका और 2000 का चालान काट दिया। केवल 1.5 किलोमीटर की दूरी के लिए 2000 का चालान काटा गया। गाड़ी मालिक ने इसका विरोध किया और कहा कि इतनी छूट मिलनी चाहिए, लेकिन ट्रैफिक पुलिस नहीं मानी और 2000 का कैश चालान काट डाला। दरअसल दीपक एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं और उन्होंने दफ्तर जाने के लिए अपने दोस्तों की गाड़ी पुल की थी, लेकिन इमरजेंसी के दौरान अपने डॉगी की तबीयत खराब होने पर वो अपनी और गाड़ी से 1.5 किलोमीटर दूर डॉक्टर के पास पहुंचे, लेकिन वापस आते समय यमुना विहार रेड लाइट पर ट्रैफिक पुलिस ने और नंबर की गाड़ी देख कर रोक ली और 2000 का चालान काट दिया। हालांकि गाड़ी मालिक ने इसका विरोध किया कि 1.5 किलोमीटर के दायरे में उनकी गाड़ी का चालान काटा गया है, जो कि अपने डॉगी को डॉक्टर के पास ले गए, लेकिन डॉगी की वजह से 2000 का चालान काट दिया गया। हालांकि उनके पास उस समय पैसे नहीं थे, लेकिन घर पास में होने की वजह से इवन नंबर की गाड़ी से दोस्त आए और उन्होंने चालान के पैसे जमा किए। सवाल है कि इवन ऑड के फॉर्मूले से कुछ लोगों को दिक्कत उठानी पड़ रही है, क्या ये सही है? क्या ये केजरीवाल का फैसला सही है? क्या लोग इस पे अमल करना जरूरी समझ रहे हैं? डॉगी को दिखाने के लिए आए थे, हमारा अप एंड डाउन होता है, एक दिन इवन गाड़ी से एक दिन ऑड गाड़ी, बट अभी आए हैं, बस घर पास में ही है, कल क्लिनिक तक आए थे, इसमें चलान कटे। बस इस चीज़ को देखना चाहिए, अगर घर के नियर बाय है तो आई थिंक चलान नहीं कटना चाहिए। अगर आप मेन रोड पे जा रहे हो, हाईवे पे जा रहे हो, कंडीशन देख सकते हो, डॉगी भी साथ में, ऐसा नहीं है पापा भी साथ में, कोई ऑफिस को जा नहीं रहा हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली से प्रकाशित हिंदी दैनिक समाचार पत्र विजय न्यूज हर रोज आपको कराता है देश विदेश, खेल, कारोबार और आपके आसपास की घटनाओं से रूबरू मात्र 2 रुपए में। विजय न्यूज की खबरें हिंदी में पढ़िए कहीं भी कभी भी, बस लॉगिन करें डब्ल्यू 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 डॉट
vijaynews.in। मोबाइल में हिंदी में खबरें पढ़ने के लिए एंड्रॉइड यूजर गूगल प्ले स्टोर से विजय न्यूज ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। दिल्ली के आनंद विहार में हुई हत्या के 4 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट के इरादे से बदमाशों ने दिया था घटना को अंजाम। पिछले काफी समय से लूट की वारदात को देते थे यहां अंजाम। वारदात में एक व्यक्ति की हत्या के बाद खुला राज, 4 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में। देश की राजधानी दिल्ली में एक ऐसी जगह है जहां शाम ढलते ही लोग उस रास्ते पर गुजरने से खौफ खाते हैं। घटना दिल्ली के आनंद विहार थाना इलाके का है, जहां दिनांक 24 दिसंबर 2015 को एक लावारिस लाश मिली थी, जिसकी शिनाख्त बाद में उत्तर प्रदेश के हापुड़ निवासी हरीश के रूप में हुई। पुलिस तफ्तीश में पता चला कि 24 दिसंबर देर शाम जब हरीश आनंद विहार रेलवे स्टेशन की ओर जा रहा था, तो 4 बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसके साथ पहले लूटपाट की और बाद में उसकी चाकू से गोद कर हत्या कर दी। चारों आरोपी नवीन, विवेक, अर्जुन और शिव कुमार के रूप में हुई है। ये 24 दिसंबर को एक डेड बॉडी मिली थी हमारे जवानों को दौरान गश्त, और उसका जब इंस्पेक्शन किया गया तो उसको कुछ इंजरी मार्क्स थे बॉडी पर, और एक इंजरी पेट में थी काफ़ी गहरी, तो उसको हम ले गए। उस टाइम पे अनआइडेंटिफाइड थी, उसको हॉस्पिटल ले गए। बाद में वो आइडेंटिफाई हो गई, वो रहने वाला था यूपी का, उसके घर वाले आ गए। उसका एक फ़ोन और उसका कुछ सामान उसमें लूट में गया था। वो जो फ़ोन को सर्वेलेंस पे डाला तो फ़ोन एक्टिवेट जैसे ही हुआ तो हमें पता लग गया कि फ़ोन यूपी के गाजियाबाद ज़िले में कहीं चल रहा है। जो फ़ोन उसको देखे गए थे उनके नाम बताए और उनको हमने तीनों आदमियों को आइडेंटिफाई कर लिया और आज अरेस्ट कर लिया। कड़कड़डूमा मेट्रो स्टेशन के पीछे से आनंद विहार रेलवे स्टेशन जाने का एक शॉर्टकट रास्ता है। ये रास्ता जितना शॉर्टकट है उतना ही खौफनाक भी। रास्ते के दोनों तरफ घना जंगल है। शाम ढलते ही यहाँ लूटपाट और हत्या आम बात हो जाती है। ये बदमाश यहाँ आते जाते कई मुसाफिरों के साथ चाकू की नोक पर लूटपाट कर चुके हैं। वहीं लूटपाट का विरोध करने पर चाकू से घायल कर देते हैं। इन्हीं बदमाशों ने प्रवीण कुमार नाम के एक युवक के साथ लूटपाट करने की कोशिश की थी, लेकिन जब युवक ने विरोध किया तो उसके चेहरे और गले पर चाकू से कई वार किए और सारा सामान लूट कर फरार हो गए। मैं 6:30 बजे करीब अपने रास्ते पर जा रहा था ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहीं पे ये मेरे पास बैग था, फ़ोन वगैरह, पर्स वगैरह सारी चीज़ थी मेरे पास। तो अपनी तो मैं जैसे रास्ते में चल ही रहा था तो तीनों बैठे हुए थे ये अपने जान, मैं सोचा ऐसे ही बैठे होंगे, लोग आगे बैठ रहते हैं। तो जैसे मैंने बीचों बीच पहुँचा तो तीनों लोग मेरी तरफ आए, जब इन्होंने चाकू मारे तो मैं वहीं पर लेट गया था। फिर उन्होंने पूरी तलाशी ले गई मेरी, मेरे जूते से भी निकाले। लास्ट टाइम इन्होंने बोला पुलिस वाला गया तू, मैं इतना कह के इन्होंने मेरे लात भी मारी, शायद मेरे कंधे पे लगी थी, इतना मेरे को होश नहीं है, मेरे यहाँ पे आधी लात मेरे मुंह पे लगी थी, आधी कंधे पे लगी थी। इस इलाके में बढ़ती वारदातों को देख जब पुलिस ने सख्ती बरती तो पुलिस को ये सफलता हाथ लगी। इनके पास से लूटे हुए कई डॉक्यूमेंट, मोबाइल, वारदात में इस्तेमाल होने वाले चाकू और पेपर कटर बरामद किए। इन बदमाशों को पकड़ने के लिए दिल्ली पुलिस के इंस्पेक्टर सतेंद्र पाल सिंह, सब इंस्पेक्टर विनीत प्रताप सिंह के नेतृत्व में टीम बनाई गई, जिन्होंने यूपी के साहिबाबाद से इन बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, सनसनी ऑफ इंडिया। मैं विजय कुमार दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा। कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हाँ दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ, अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या अगर आपको किसी घटना की जानकारी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर
9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।